यार आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूं विकास मन्हास। तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो जो है डोडा के तहसील कास्तीगढ़ यानी गांव जो है टापनील है। और सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में एक युवा जो है किस तरह से अपनी जेसीबी मशीन बनाकर बर्फ उठा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा? और ताहिर हुसैन है और ये जो है टाप नील का रहने वाला है और इस तरह का इसने ये काम किया है। और बताया जा रहा है कि इसने ये जेसीबी मशीन आज से लगभग 8-9 साल पहले बनाई थी। यानी सोचिए कि एक लकड़ी की जेसीबी मशीन बनाकर किस तरह से ये युवा जो है वहां के बच्चों को खुश कर रहा है, यानी टैलेंट जो है किस तरह से। यूं तो आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी लेकिन ये वीडियो कुछ अलग ही है, जहां पर ये ताहिर हुसैन किस तरह से अपनी वीडियो बनाकर पोस्ट भी कर रहा है, जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरह से ये बर्फ उठा रहा है। यूं तो आपने हमारे समाज में तमाम वीडियो आपको दिखती होंगी जहां पर जेसीबी मशीन लग जाती है तो लोग खड़े हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए। इसी तरह का तमाशा देखने इसके गांव के आसपास लड़के भी आ जाते हैं जब ये इस तरह की जेसीबी मशीन वहां पर चलाता है और यहाँ के खेतों में जाकर इस तरह से बर्फ उठाकर वीडियो भी पोस्ट करता है। फिलहाल ये वीडियो काफी सुर्खियां बटोर आ रहा है और क्योंकि बटोरेगा भी सुर्खियां, क्योंकि लगातार ये वीडियो जो है काफी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ताहिर हुसैन इसका नाम है और टापनील का आस्तीगढ़ का रहने वाला है, जिसमें इस जेसीबी मशीन को तैयार कर बर्फ उठाने का काम कर रहा है। इस तरह की प्रेरणा बहुत सारी मिलती है और यूं तो आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह की अगर कोई क्रिएटिव काम करता है कोई तो उसको बढ़ावा भी देना चाहिए। अगर कोई भी आपके आसपास इस तरह की कोई मशीनरी तैयार कर या इस तरह का कोई काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इस जैसे युवाओं को बाहर निकालना चाहिए और कोई भी कमी या कोई भी किसी चीज की जरूरत हो, जिन लोगों के अंदर इस तरह का टैलेंट हो, ताकि वो लोग जो है अपने टैलेंट का प्रदर्शन करके दिखाएं। फिलहाल जेसीबी मशीन इन्होंने लकड़ी की तैयार की है और बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस तरह का काम तो कोई भी कर सकता है लेकिन जिसने किया है वही जानता है और इस तरह के काम सब नहीं कर सकते। और लगातार आपको कहीं पे भी, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे इंडिया में कहीं भी जेसीबी मशीन खड़ी हो जाती है तो लोग तमाशा देखने आ जाते हैं, बस इसी तरह इनके गांव में भी आसपास के लोग ये जेसीबी मशीन देखने आ जाते हैं और इन्होंने ये जो है 8-9 साल पहले का बनाई हुई है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी और सोशल मीडिया पर आपने इससे पहले अगर ये वीडियो देखी है तो कमेंट करना ना भूलें और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अपनी राय रखें।